सबसे पहले एक कढ़ाई गर्म करेंगे और इसमें डालेंगे 2 बड़े चम्मच तेल, और साथ ही जब तेल गर्म हो जाए तो इसमें डालेंगे 1 छोटा चम्मच जीरा, और जैसे ही जीरा तड़कने लगेगा इसमें डालेंगे 2 मीडियम साइज़ के प्याज कटे हुए, 3 से 4 हरी मिर्च कटी हुई, और साथ ही डालेंगे 2 मीडियम साइज़ के टमाटर कटे हुए, 1/2 छोटी चम्मच नमक और 1/4 छोटी चम्मच हल्दी पाउडर डालेंगे। अब इसके साथ ही इसमें हम डालेंगे 1/4 छोटी चम्मच काली मिर्च पाउडर, और साथ ही इसमें डालेंगे 1 छोटा चम्मच कसूरी मेथी। कसूरी मेथी का फ्लेवर इसमें बहुत ही अच्छा आता है। एक बार सभी को अच्छे से मिक्स कर देते हैं और लो फ्लेम पर टमाटर और प्याज के सॉफ्ट होने तक हम पका लेंगे। इसे कवर कर देंगे और इसे टमाटर प्याज को सॉफ्ट होने देंगे। थोड़ी देर बाद हम इसे चेक कर लेंगे, टमाटर प्याज हमारा सॉफ्ट हुआ है कि नहीं। और ये देखिए टमाटर प्याज अच्छे से सॉफ्ट हो गया है। इसे हम एक बार मिक्स कर देते हैं और फिर हम गैस की फ्लेम ऑफ कर देंगे, और ठंडा होने के बाद इसे हम मिक्सर जार में डालकर पीस कर एक पेस्ट बना लेंगे। अब एक बोल लेंगे और इसमें डालेंगे 1.5 कप गेहूं का आटा, और इसके बाद इसमें डालेंगे 2 बड़े चम्मच बेसन। बेसन इसमें ज़रूर डालें, आटे में ज़रूर मिक्स करें, इससे इसका टेस्ट काफ़ी अच्छा आता है। और इसके साथ ही इसमें डालेंगे 2 बड़े चम्मच तेल। तेल डालने के बाद बेसन आटे को अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे तेल के साथ, और इसके बाद इसमें हम डालेंगे जो मैंने अभी पेस्ट रेडी करके रखा है उस सारा पेस्ट हम इसमें डाल देंगे। और पेस्ट डालने के बाद अब इसका हम अच्छे से एक डो लगा लेंगे। अगर ज़रूरत लगेगा तो इसमें हम थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे, वरना पानी ऐड करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि पेस्ट में पेस्ट ऑलरेडी मॉइस्चर रहता है और उससे आटा अच्छे से लग जाता है। अब इसके ऊपर हम डालेंगे 1 छोटा चम्मच तेल और इसे एक बार फिर मिक्स कर लेंगे, और इसके बाद हम इसे 5 मिनट तक के लिए रेस्ट करने देंगे। अब 5 मिनट के बाद हम आटे को लेंगे और इसका एक बड़ा सा पेड़ा तोड़ लेंगे, और इसके बाद हमें इसे गोल रोटी के जैसा बेलना है, जैसे चपाती हम बेलते हैं उस तरह से बेलना है। बहुत पतला भी नहीं बेलना है, क्योंकि हमें इसे फ्राई करना होगा। अगर बहुत पतला बेलेंगे तो ये फूलेगा नहीं अच्छे से, इसलिए हल्का थोड़ा सा इसे मोटा रखना है। सूखे आटे से डस्ट कर लेंगे और इसे गोल चपाती की तरह हम बेल लेंगे। आप चाहें तो इसकी छोटी छोटी लोई लेकर उसकी छोटी छोटी पूड़ियाँ भी बना सकते हैं, पर मैंने यहाँ पर बड़ी चपाती बेली है, क्योंकि मुझे थोड़ा बनाना है इसे इंटरेस्टिंग। और इसके लिए मैंने यहाँ पर लिया है एक कुकी कटर, जो स्टार शेप का लिया है। आप किसी भी शेप का कुकी कटर ले सकते हैं, और इसे आटे के ऊपर इस तरह से रखकर हाथ से अच्छे से प्रेस कर दें, ताकि इस पर अच्छे से ये कट जाए। और पूरे चपाती के ऊपर इस तरह से हम पहले कुकी कटर से निशान बना लेंगे, और उसके बाद इसमें जो भी एक्स्ट्रा आटे हैं, जो साइड में एक्स्ट्रा आटे लगे रह जाते हैं, उसे हम हटा लेंगे। और ये देखिए जो साइड में आटे लगे हुए हैं इसे हम निकाल देते हैं, और निकालने के बाद ये क्यूर से स्टार अलग हो जाएंगे, और इसी तरह बाकी सारे स्टार्स को हम अलग कर लेंगे, और जो आटे निकलेंगे उसे आप फिर से बेल कर इस तरह की शेप बनाकर रेडी कर सकते हैं। और जब सारे स्टार्स रेडी हो जाएंगे, फिर हम एक कढ़ाई में तेल गर्म करेंगे, और गर्म तेल में इसे हम डीप फ्राई करेंगे। गैस की फ्लेम मीडियम रखेंगे, बहुत हाई फ्लेम पर हम इसे नहीं फ्राई करेंगे, नहीं तो ऊपर ये जल्दी लाल हो जाएगा और क्रिस्पी नहीं हो पाएगा। और ये देखिए ये क्यूट से डांसिंग स्टार कितने अच्छे लग रहे हैं। और बताइए अब इस तरह से आप सिंपल सी रेसिपी को इस तरह से इंटरेस्टिंग वे में आप प्रेजेंट करेंगे, तो बच्चे क्या बड़े भी अपने आप को रोक नहीं पाएंगे। आप इसे सफ़र में ले जा सकते हैं, बच्चों को टिफ़िन में दे सकते हैं, या खुद लंच डिनर ब्रेकफास्ट किसी में भी आप खा सकते हैं। इसे आप मसाला पूरी भी कह सकते हैं, और इस सिंपल सी रेसिपी खाने में बहुत ही टेस्टी लगती है। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर और कमेंट करना ना भूलिएगा, और वीडियो के नीचे बेल आइकन को जरूर दबा दीजिएगा, ताकि जब भी कोई नई वीडियो अपलोड करूँ तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। तो मिलती हूँ फिर आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय एंड कीप कुकिंग।